दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फास्ट फूड के बारे में। और दोस्तों क्या आपको लगता है कि केवल फास्ट फूड जो हम खाते हैं, अगर उस लत को जो है फास्ट फूड खाना हम छोड़ देते हैं तो फास्ट फूड ना खा के भी आप जो है करोड़पति हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो है विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि अगर आप पर डे जो है ज़्यादा नहीं 50 रुपये की भी अगर फास्ट फूड खाते हैं, 50 रुपये बाहर से खाना खाते हैं, तो दोस्तों वो 50 रुपया बचा के भी जो है आप अपने जीवन में करोड़पति बन सकते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर फुल डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दोस्तों आजकल नॉर्मली क्या होता है कि जब हम नौकरी पे जाते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो नौकरी पे जाते हैं, वो लोग अपने साथ जो है ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो लोग अपने साथ जो है टिफ़न नहीं लेके जाते। वो करते क्या हैं कि ड्यूटी पे जाते हैं, लंच टाइम में जो है ऑफिस के ही कंटीन में जाके बैठते हैं और वहाँ पर जो है फास्ट फूड ऑर्डर करते हैं, समोसे बर्गर ये सब खाते हैं। और दोस्तों अगर आज की डेट में अगर आप एक बर्गर भी ऑर्डर करते हैं तो वो भी 50 रुपये का आता है, अगर आप 2 समोसे भी ऑर्डर करते हैं तो दोस्तों वो भी जो है 50 रुपये के आपके पड़ जाते हैं। मतलब नॉर्मली अगर आप कंटीन में बैठ जाते हैं तो जो है आपका बिल जो है कम से कम 50 रुपये का बनता है। इस तरीके से दोस्तों पर डे जो है हम कम से कम 50 रुपये जो है हम बाहर खाने पीने में उड़ाते हैं। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आखिर ये 50 रुपये हम बचा के जो है कैसे अमीर बन सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके आया हूँ, अब दोस्तों जैसे कि मैंने बात की, अब मात्र अगर 50 रुपये भी जो आप फास्ट फूड में ख़त्म करते हैं, जो उड़ाते हैं, उस पैसे को जो है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ आप जो है उससे करोड़पति बन सकते हैं। अब चलिए उसको हम जो है अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप एक दिन का जो है अगर 50 रुपये बचाते हैं तो मंथली जो है महीने के 1500 रुपये बचा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है म्यूचुअल फंड का, अगर वो पैसा 1500 रुपये आप मंथली अगर म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो देखते हैं कितना प्रॉफिट आपको यहाँ से होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है ये मैं म्यूचुअल फंड ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए जैसे म्यूचुअल फंड है इसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। अब इसको ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हम इसमें 1500 रुपये डालते हैं। 1500 रुपये डालने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं जो इसका देखिए, अगर आप जो है इंडेक्स फंड में जो है कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जो है वो आपको 12 से लेकर 15% तक का रिटर्न देता है। तो मैं यहाँ से जो है मात्र 12% का रिटर्न लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने 12% ले लिया और यहाँ पर जो है कैलकुलेटर में जो है ये इसको मैंने डाल लिया 35 साल। अब देखिए मात्र 35 साल में अगर आपको 12% रिटर्न मिलता है, जो आप फास्ट फूड बाहर ना खा के वही 50 रुपये जो है अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पर देखिए 82 लाख रुपया जो है आपको यहाँ पे मिलता है 35 साल में अगर आप फास्ट फूड नहीं खाते तो। अगर इसको मैं 37 साल कर देता हूँ, देखिए 2 साल और बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये आपको जो है करोड़पति बना देता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 1 करोड़ के समथिंग जो है आपका पैसा बन जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वही पैसा है जो आप फास्ट फूड ना खाकर आपने जो है इसमें इन्वेस्ट किया है। अब देखिए दोस्तों इसको अगर और आगे करते तो ये वेल्थ आपकी और बढ़ती चली जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपने फास्ट फूड ना खाने का एक फैसला लिया जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रही और साथ ही साथ उस पैसे को आपने कहीं म्यूचुअल फंड में या कहीं भी इन्वेस्ट किया जहां आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है। तो यहां पर जो आपको जो आपकी जो वेल्थ है वो 1 करोड़ रुपए की भी बन जाती है। तो दोस्तों आप जो है इस जो एक बहुत ही ख़राब लत है फास्ट फूड खाने की, दोस्तों सभी को पता है कि फास्ट फूड से बाहर के खाने से ज़्यादा हेल्दी जो हमारा घर का खाना होता है। और दोस्तों जो पैसा हम बाहर फास्ट फूड में अकेले उड़ा के आ जाते हैं, अकेले खा के आ जाते हैं, अगर वही पैसा अगर हम उसकी सब्जी या कुछ भी खरीद के घर पे लेके आते हैं तो हम पूरे परिवार के साथ अपने मिल बांट के खाते हैं। इसलिए दोस्तों जो है ये फास्ट फूड बहुत ही ख़राब चीज़ है। फास्ट फूड से आप जितना दूरी बना के रखें उतना आपके लिए भी अच्छा और आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।